रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को फिर लेके आई हूँ बाहर, और ये दिखाने के लिए कि कल रात को हैवी स्नो फॉल हुआ था, जिसकी वजह से एक ही दिन में सब कुछ वाइट वाइट हो गया। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाऊं कि कितना, इससे पहले भी आपने मेरी वीडियोस देखी हैं कि ये सब ग्रीन पार्क नज़र आता था, और अब ये देखें, और ये देखें आसमान कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और आपको ये ट्रैफिक के जो टायर्स की आवाज़ है गाड़ियों के, वे भी सुनाई दे रही होगी कि कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि रोड पे पूरी बर्फ बर्फ है। और देखें ट्रैफिक भी बहुत कम है, क्योंकि हैवी स्नो की वजह से जो है रास्ते सारे, अभी देखें क्लीनिंग भी नहीं हुई है, रोड कोई साफ़ नहीं हुई है, तो लिहाजा ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। और इतना खूबसूरत इस वक्त वो हो रहा है, आसमान भी, धूप है हल्की सी, ठंड है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मगर रोडें बहुत गंदी हैं, गंदी से मुराद बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये देखिए नीचे भी हमारे यहाँ, ये देखिए कैसी, अभी कम है, इतनी नहीं हुई, मगर फिर भी शहर पूरा वाइट हो गया। आसमान पे भी सफ़ेद बादल, ज़मीन पे भी सफ़ेद बर्फ, क्या खूबसूरत इम्तिज़ाज है। पीछे भी दिखाती हूँ, पीछे का बैकयार्ड, आसमान पे भी सफ़ेद बादल, ज़मीन पे भी सफ़ेद बर्फ, क्या खूबसूरत इम्तिज़ाज है। पीछे भी दिखाती हूँ, पीछे का बैकयार्ड, ये देखिए नीचे जाके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए नीचे इतनी बर्फ़ है, समझ में नहीं आ रहा कि स्टेप कैसे करूँ, नीचे कैसे उतरूँ। ये देखिए एहतियात से उतर रही हूँ कि फिसल ना जाऊँ। ये देखिए ये मेरा बैकयार्ड, जहाँ की वीडियोस मैंने आपको, ये देखिए ये वो जगह, ये मेरा बैकयार्ड जहाँ की वीडियोस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, जब मैंने अपनी गार्डन वीडियोस की थी। तो ये देखिए क्या हाल है इस तरह का, देखें मैंने एक बच्चों के लिए स्नोमैन बना दिया, ये देखिए स्नोमैन मैंने तमाम जो है यहाँ से बीच में यार्ड में से जो है वो बर्फ़ जो है वो इकट्ठी की और स्नोमैन बना दिया। अब ये करीब से देखें कितना क्यूट सा स्नोमैन है, कितना प्यारा लग रहा है ना। देखें आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये स्नोमैन आपने इससे पहले ऐसा कभी देखा होगा,
तो कितना क्यूट सा लग रहा है, क्यूट सा। मैंने अपने यार्ड में जो है, बैक यार्ड में, और ये देखिए साइड में कितनी बर्फ़ थी, मैंने सारी साइड की जमा करके, ये देखिए साइड की सारी जमा करके एक क्यूट सा स्नोमैन बनाया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। सामने से भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये आपजी लग रहे हैं, स्नोमैन जो है ना वो आपजी लग रहा है। सही जगह खड़े होने की नहीं है, वरना मैं खड़े होके आपको सही तरीके से दिखाती, क्योंकि देखिए मैं वहाँ गई थी खड़े होने, और बर्फ़ ही इतनी है कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, और ठंड भी हो रही है इस वक्त बहुत। तो ये थी इस साल के पहली बर्फ़बारी की क्यूट सी वीडियो, और हमारा स्नोमैन जो है आप सबको वेलकम कहता है हमारे चैनल पर, और वो कहता है कि आप ज़रूर जो है वीडियोस देखें, इतनी क्यूट सी वीडियोस हैं। और देखिए कितना प्यारा सा हो रहा है बर्फ़ के साथ ही, ये हल्की सी आपको इस तरफ देखें धूप सी नज़र आती आ रही होगी, तो सूरज की तरफ नहीं कर रही। ऊपर ये आसमान है, उस पर बादल छाए हुए हैं, साइड में से सूरज भी नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये मैंने आप सब बच्चों के लिए एक क्यूट से स्नोमैन की जो है स्नोमैन बना लिया है यहाँ पर आप सब के लिए, आप इसको देखें और इन्जॉय करें। ये थी हमारी आज वीडियो हमारे बैकयार्ड से, पहले इसमें फूल होते थे, फ्रूट्स होते थे, क्यूकम्बर, टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, सिलांट्रो, और आज इसमें बीच में बैठे हुए हैं जनाब स्नोमैन, और ये कितने क्यूट लग रहे हैं, स्नो आपा लग रहे हैं ये, पूरी ये स्नो आपा हैं हमारी, तो ये बैठी हुई है बीच में। तो चलें इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर आप लोगों को फिर अच्छी सी वीडियो में किसी दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।